तुम मेरे साथ नहीं रह सकती तो तुम क्यों घर छोड़ के जा रही हो? मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ तो मैं ना मुझे किसी से मिलना है ना मुझे किसी से बात करनी। मुझसे भी नहीं। नहीं। ओह लेबर पेन। उसे लेबर पेन शुरू हो गया। ऐसा लगता है कि डिलीवरी आज ही हो जाएगी। हद कर देता है ये। जिस वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसी वक्त वो गायब। बेटी हुई है। बेटी। मेरी बेटी कैसी है? डॉक्टर सिमरन बिल्कुल ठीक है। उनकी बेटी को हमने इंक्यूबेटर में रख दिया है। ये प्रीमेच्योर डिलीवरी है इसलिए हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। बच्ची थोड़ी कमजोर है लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा। दीदी कोई प्यारी सी बेटी हुई है जो वो हमेशा से चाहती थी। पता है जब पहली बार सिमरन को पद्मा ने मेरी गोद में रखा था तो क्या कहा था कि इसकी शक्ल देखकर मैं अपना सारा दर्द भूल गई। और मैं तो बहुत ही अजीब सा फनी सा फील कर रहा था जैसे मेरा अक्स मेरी गोद में उतर आया। एक लंबा सफर तय किया है मैंने, बस अफसोस यही है कि उस सफर में अकेला रह गया। आज पद्मा होती तो कितना खुश होती वो। खुशी में अपना कोई एक भी मिसिंग हो तो कितनी अधूरी लगती है ना पापा। ऐसा क्यों सोचते हो बेटा? तुम्हारी बेटी में पद्मा का रूप भी शामिल है। हाँ मगर बेबी को तो हमने देखा ही नहीं। क्या हम देख सकते हैं? अभी नहीं, शी इज अंडर ऑब्जर्वेशन, वो इंक्यूबेटर में है। आई होप शी इज फाइन। जब से उसे जन्म देने का फैसला लिया है वक्त ने मुझे बहुत आजमाया है और हर डिफिकल्ट सिचुएशन में तुमने जिस तरह अपने आप को संभाला है ना, मैं तो तुम्हें देख के हैरान हो जाती थी। देखिए डॉक्टर सिमरन को काफी वीकनेस लग रही होगी, उन्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। लेट हर रेस्ट फॉर अ वाइल। हाँ बेटी अब तुम आराम करो, हम सब यहीं हैं तुम्हारे पास। चले से कुछ छुपा रही है। क्या बात है बोलिए ना, अभिमन्यु कहाँ है? चला गया। कहाँ? जिसके पास वो रहना चाहता था। किरण। बहुत समझाया मुझे उन दोनों के बारे में मगर मैं ही नहीं समझी। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि क्या सच है और क्या झूठ। भाभी क्या इतनी आगे बात बढ़ गई? मैंने उससे चले जाने के लिए कह दिया आनंदी, अब मैं उससे कभी नहीं मिलना चाहती। Excuse me. Where is Dr. Manas? वो बेबी का चेकअप कर रहे हैं। मेरा एक मैसेज देंगे उन्हें? जी सर। उनका काम हो जाए तो कहिएगा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है।
क्या हुआ सौरभ? दीदी अभिमन्यु के बारे में जानना चाहता हूँ। अभी के बारे में सब पूछेंगे तो क्या कहूंगे, किस मुंह से कहूंगी उन्हें? My marriage is failed. नहीं भाभी, भाभी, अभी प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं अभी से बात करती हूँ। नहीं आनंदी प्लीज, तुम्हें मेरी कसम, तुम अभी से बात नहीं करोगी। वो है कहाँ? मैं जानना चाहती हूँ उसने आपको चीट किया कैसे? अभी सबसे क्या फायदा आनंदी? जो होना था वो हो गया। आज से मैं ये नहीं जानना चाहती कि अभी कहाँ है, क्या कर रहा है, और ना ही मैं चाहती हूँ कि मुझसे उसके बारे में कोई बात करे। अभी को पता है आप अस्पताल में हैं? वो जानता है वो एक बेटी का बाप बन चुका है? No, he doesn't know anything. और ना ही मैं चाहती हूँ कि उससे कोई कुछ बताए, क्योंकि आज से ना मेरा उसके साथ कोई रिश्ता है और ना ही मेरी बच्ची का। Please, Anandi, it's a matter of my self-respect. I understand, Bhabhi. और Anandi, ये सारी बातें मैं सिर्फ तुम्हें बता सकती हूँ और किसी को नहीं। Just pray, Anandi, कि ऐसे मुश्किल समय में मैं अपने आप को संभाल सकूँ। Bhabhi, Bhabhi, please. So sorry. Bhabhi, please don't ये मत। नहीं बुआ जी, जीजू ने अपना सेलफोन ऑफ करके रखा है और स्टूडियो का नंबर तो कॉन्स्टेंटली इंगेज है। अब क्या करेंगे? पता नहीं। एक मिनट आनंदी, आनंदी बेटा एक मिनट। बेटा अभिमन्यु कहाँ है? जी पता नहीं। हाँ विवेक, एक मिनट, बात क्या है? प्लीज बताओ ना, सिमर ने क्या कहा तुम्हें? भाभी ने कुछ नहीं कहा, बेबी के लिए कुछ सामान चाहिए वो मुझे अरेंज करने के लिए कह रही थी। जी। चलो ना विवेक। क्या कहा सिमर? जी अंकल बस आराम करना चाहती हैं। अभिमन्यु को ये मालूम भी है कि सिमरन इस वक्त हॉस्पिटल में है? कहाँ वो? भाभी ने अभी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम उसकी बहन हो। पापा, जीजू ने अपना सेलफोन ऑफ कर रखा है। अंकल हम लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। आई कॉन्टेक्ट हिम और I'll inform them. लगाओ बेटा, फिर से लगाओ। पापा ऑफ बेड। Congratulations. Thank you. How's the baby now? बच्चे बिल्कुल ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। हम उसे देख सकते हैं? नहीं, अभी आपको रुकना होगा। It's a premature delivery, so you have to be a bit careful. लेकिन हम उसे देखे बगैर जाएंगे नहीं यहाँ से। अभिमन्यु कहाँ है मानस? मुझे नहीं पता। इनफैक्ट जब मैं घर पे गया था और सिमरन से पूछा था मैंने, तब भी उसने मुझे कोई जवाब दिया नहीं। और इनफैक्ट उस वक्त उसकी ऐसी हालत भी नहीं थी कि मैं ज्यादा सवाल करूं उससे। सिमरन ने भी अभिमन्यु के बारे में कुछ पूछा नहीं? मुझे तो लगता है कि कुछ है जरूर। तुम्हें क्या लगता है मानस? मैं कुछ कह नहीं सकता, बट इट्स स्ट्रेंज। इस बार मैं किसी की सुनूंगा नहीं। हॉस्पिटल से सिमरन सीधे मेरे घर जाएगी। इनफ, इट्स इनफ ना। उस लड़के का तो मुझे कभी भरोसा था ही नहीं। पता नहीं क्या काम करता है वो, क्या काम चल रहा है उसका,
पीवी की डिलीवरी हो गई है और शायद उसे मालूम ही नहीं। प्लीज सौरभ, कंट्रोल योरसेल्फ। मैं सिमरन से जाके बात करती हूँ ना, तुम इधर ही ठहरो, ओके? सिमरन, क्या हुआ बेटा, तो रो क्यों रही है? नहीं बुआ, बस ऐसी थोड़ी डिप्रेशन हो रही है, डिलीवरी के बाद हो जाता है, इट्स नॉर्मल। अभी मनु कहाँ है? तुम्हें नहीं पता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कुछ बता के नहीं गया क्या? प्लीज आप इन्हें डिस्टर्ब ना करें, इन्हें आराम की जरूरत है। सीधे सवाल पूछा तो कुछ नहीं कह सका। किरण के साथ अपनी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया उसने। भाभी को कितना सदमा पहुंचा होगा। हद हो गई बेशर्मी की, भाभी के साथ ऐसा विश्वासघात वो कर कैसे सका? मैं तो उसका घर बसने की राह देख रहा था, जब बहू के साथ वो अपने बच्चे को मेरी गोद में देगा। सिमरन जैसी बीवी को छोड़कर एक पानी लाना थी। आप कृपया परेशान होकर अपनी तबीयत और खराब मत कर लीजिए। हाँ, एक अटैक पहले आ चुका है आपको। रिलैक्स। आनंदी, पानी ला जल्दी। बहू ने मेरी जान बचाई थी, सिमरन की इसने कद्र नहीं की। भुगतेगा अपनी करतूतों की सजा। क्यों कोस रहा है आप अपने ही बेटे को? कोस रहा हूं? सामने होता तो दो थप्पड़ लगा देता। आज तुम्हारी वजह से हम सबको ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं कहता था ना, मत बढ़ावा दो इस लड़की को। इस घर पर भी हक जमाया और लड़के पर भी। इसमें किरण का क्या कसूर है? सिमरन से उसकी बेमेल शादी कितने ज्यादा दिन टिकती? अरे अपने से 10 साल छोटे लड़के से प्यार का नाटक कितने दिन चल सकता था? मम्मी जी, नाटक तो अभिमन्यु ने किया है सबके साथ। देखो बेटे, अगर गाड़ी के दोनों पहिए बराबर नहीं होना तो वो ठीक से चल नहीं सकती। यही प्रकृति का नियम है और वही हुआ जो होना था। एक नियम और भी है, जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो आदमी डूब जाता है। तुम लोग तो सब मेरे ऊपर इस तरह चिल्ला रहे हो जैसे कि ये सब मेरे कहने से हुआ। अगर मेरे कहने से कुछ होता तो अभी और सिमरन की शादी भी कभी नहीं होती। आपस में बहस करने से कोई फायदा नहीं। अरे क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। पापा, क्या ये सिचुएशन कमी नहीं संभल सकती? कुछ तो करना पड़ेगा। अभिमन्यु कहाँ है? अभी, 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 अभिमन्यु यहाँ क्यों होंगे? तुमने जिस तरह से फंसाया है उसे, होना तो यही चाहिए। आप अपने भाई के बारे में मुझसे क्यों पूछ रही हैं? ओह, दांत खाने के और दिखाने के और? Mind your own business. No, you mind your own business. यही कहने आई हूँ तुमसे। अभिमन्यु से जबरदस्ती तुमने जो रिश्ता जोड़ने की कोशिश की है वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अभी ने जरा सपोर्ट क्या किया, उसी का घर उजाड़ने चली आई तुम। आस्तीन का सांप हो तुम। अपना गुस्सा निकालने के लिए आप जो चाहे समझ लें, लेकिन सच्चाई यही है कि अभिमन्यु और सिमरन के रिश्ते में दम होता तो किसी के तोड़ने से टूटता नहीं। इट वॉज अ रॉन्ग मैरिज। धागा कच्चा हो तो खुद ही टूट जाता है। जिस अकड़ से तुम बात कर रही हो इसका जवाब भगवान देगा। पछताओगी तुम।
दूसरों का घर उजाड़कर तुम खुश नहीं रह सकती हो, कभी नहीं। आज तुम तो किसी दूर के ना गए होते, यहाँ इतना क्राइसिस है और वो यहाँ है नहीं ऐसे वक्त। पापा आप घर जाके थोड़ा आराम कर लीजिए ना, कितने थके हुए लग रहे हैं, और हम सब तो यहाँ हैं ही। ये ठीक कह रही है, सिमरन सो रही है, उसकी तबीयत भी अब ठीक है। सौरभ बच्चे से तो हमें मिलने नहीं देंगे, यहाँ बैठे बैठे बेकार परेशान होते रहोगे। क्या बेकार परेशान हो रहा हूँ मैं जीजा? हाँ क्या, वो लापरवाह लड़का अभी तक आया ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि उसकी बेटी हुई है। कोई फिक्र नहीं है अपनी बीवी की, कोई फिक्र नहीं है वो कहाँ है कैसी, कोई फिक्र नहीं। लेकिन मुझे अपनी बेटी की फिक्र है, मैं उसे इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। नो आ जान दो उसे, पूछता हूँ कि ऐसा क्या काम चल रहा है उसका भाई है? भाई वो मातुर साहब है ना, वो बाहर साहब का वेट कर रहे हैं। मैं क्या कहती है भाई, तुम जो पढ़े वो सब बता दो ना उनको। मैं कहते इतनी बड़ी बात तुम कब तक छुपाएगी, वो लोग तो तुमको आके पूछेंगे इस ना। क्या कहूँ पापा से शगुन, यही कि जिस आदमी के लिए मैंने उन्हें छोड़ा उसने मुझे धोखा दिया। अपने उसूलों की बात करके बहुत हिम्मत दिखाई थी, आज सब मजाक बन के रह गया। भाई तुम अभी रो मत, क्या है ना कि ये सारा दुख तुम अपने पास ही रखेगी तो तुमको बहुत तकलीफ होगी। तुम अपना ये दुख हल्का करो ना, घर वालों को बता दो, वो सब अपने ही छोड़ोगे ना। जगुना ये बात मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन पापा नहीं कर पाएंगे। माँ के चले जाने के बाद वो और भी कमजोर हो गए शगुन। हाउ आर यू डॉक्टर सिमरन, आपकी फैमिली आपसे मिलने आई है। या प्लीज पापा, पापा आप प्लीज घर जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। यही तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पापा हैं किसी की सुनते कहाँ। ये तो सौरभ की पुरानी आदत है। पता है बेटा तुम जब भी बीमार हुआ करती थी ना तो परेशान होकर रात भर टहलता रहता था ये। पापा लेकिन आई एम ऑलराइट नाउ, देखो ना डिलीवरी भी नॉर्मल हो गई है, जो क्रिटिकल स्टेज थी वो भी गुजर चुकी है। आप प्लीज जाइए थोड़ा आराम कर लीजिए। सिमरन अभिमन्यु कहाँ है, वो आया क्यों नहीं अभी तक? पापा शूटिंग में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है उन्हें, इसे मैं नहीं चाहती कि मैं या आप में से कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करे। उन्होंने कहा है कि शूटिंग खत्म होते ही वो मुझे फोन करेंगे, तो अब तो डिलीवरी भी हो चुकी है पापा, तो अब उन्हें बुला कर क्या फायदा, लेट हिम शूट। क्यों झूठ बोल रही है भाभी, क्यों उस इंसान का अपराध छिपा रही है जिसे आपकी परवाह ही नहीं। क्या बात है, क्या हुआ? आनंदी प्लीज ये क्या कह रही हो तुम सबके सामने, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। किसके लिए, किसकी इज्जत बचाने के लिए आप झूठ बोल रही हैं? आनंदी क्या हुआ मुझे बताओ। अंकल आप सबके सामने भाभी अभिमन्यु के करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। शर्म मुझे आ रही है कि अभी मेरा भाई है, लेकिन मैं और चुप नहीं रह सकती। पिछले दिनों अभी की वजह से भाभी को बहुत मेंटल टॉर्चर पहुंचा है, इसीलिए इनको प्रीमैच्योर डिलीवरी हो गई। क्या क्या किया है उस लड़के ने? प्लीज आनंदी प्लीज जाने दो। भाभी मेरा आपके जैसा इतना बड़ा दिल नहीं है कि उस पर रहम करो जिसने आपको धोखा दिया है। अंकल
अभी और किरण का अफेयर चल रहा है। कहने में शर्म आती है, मानने को भी दिल नहीं करता, लेकिन यह सच है, अभी और किरण का नाजायज रिश्ता है।